जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल गौरव शुक्ला हाजिर हाँ मुद्दे की बात लैके। मुद्दे की बात दे विच अज गल पोस्टर दी, उस पोस्टर दी जिसनों लैके आम आदमी पार्टी नूं इतराज़ है। पोस्टर च जिक्र इंदिरा गांधी तो लैके दरबार साहब ते हुए हमले तक का हो रहा है, तो आम आदमी पार्टी हुण इस ते कानूनी कार्रवाई की गल भी कह रही है। पर सवाल यह है कि पोस्टर पिछे कि डूंगी सियासी साजिश है, पोस्टर दे पिछे दा सच की है। तो सवाल यह भी है कि चोणां तों पहलां ही इस तरह के पोस्टर जो लोगों दी भावनावां दे नाल जुड़े हुए मुद्दे ने उन्होंने पोस्टर क्यों लगाए जाते हैं, चर्चा इस उत्ते करांगे क्योंकि पंजाब दे विच छिड़ी नज़र आउंदी है पोस्टर की जंग। अरविंद केजरीवाल की मरहूम प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी नाल तुलना करने वाले पोस्टर ते विवाद पा गया है। सिखां दे धार्मिक स्थानां ते हमले नूं लैके कीती गई तुलना ते आम आदमी पार्टी ने इतराज़ प्रगट किया है, ते इस संबंधी मोहाली च शिकायत दर्ज करवाई गई है। पोस्टर विवाद नूं लैके कांग्रेस ने अकाली दल ते सवाल चुके ने अते अकाली दल ने कहा कि सिखां नूं लैके दोवें पार्टियां की सोच इको वर्गी है। अरविंद केजरीवाल चले इंदिरा गांधी की राह, इन्हां पोस्टां दे जरिए दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तुलना मरहूम प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी नाल कीती गई है। इस पोस्टर विच दरबार साहिब दे नाल श्रीमती इंदिरा गांधी अते गुरद्वारा सीसगंज साहिब दे नाल अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लाई गई है। इन्हां पोस्टर के जरिए श्रीमती इंदिरा गांधी नूं दरबार साहिब ते हमला करन लई अते अरविंद केजरीवाल नूं दिल्ली दे गुरद्वारा सीसगंज साहिब दे प्याओ नूं तोड़न लई जिम्मेवार दस्सिया गया है। ए पोस्टर मोहाली, खरड़ अते कुछ होर थावां ते लाए गए ने। इन्हां पोस्टरां ते आम आदमी पार्टी ने इतराज़ प्रगट कीता है। पार्टी नूं इस पिछे सियासी साजिश नजर आउंदी है, इस लई पार्टी दे आगुआं ने मोहाली पुलिस नूं शिकायत दर्ज करवा के इन्हां पोस्टरां नूं लाउण वालियां दे खिलाफ FIR दर्ज करन दी मंग कीती है। रिक्वेस्ट करदे हां कि इमीडिएटली ਇਹਦੀ ਇੱਥੇ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਕਲਪ੍ਰਿਟਸ ਬੀ ਬ੍ਰੌਟ ਟੂ ਜਸਟਿਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਸੀ ਅ ਡੀਪ ਰੂਟਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਨਸਪਿਰੇਸੀ ਇਨ ਦਿਸ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿਆਓ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ NDMC ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿ NDMC ਨੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਫਾਰ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਫਾਰ ਦ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ਨ ਆਫ ਪਿਆਓ ਸਾਹਿਬ। भावनावां खिड़ना अकाली दल की पुरानी आदत है। दूजे पासे अकाली दल ने कहा है कि इन्हां पोस्टरां बारे उन्हां नूं जानकारी नहीं है, पर सिखां नूं लैके कांग्रेस अते आम आदमी पार्टी की सोच इको वर्गी है। जब इलेक्शन पास आता है, श्रोमणी अकाली दल का ये सबसे बड़ा एजेंडा होता है कि लोगों की इमोशंस को अराउज करके उसे वोट बैंक में तब्दील किया जाए, ये सरासर श्रोमणी अकाली दल का इसमें रोल है। किस किस्म के पोस्टर लगे हैं, किने लाए हैं, हो सकता है ओहदा आने वाले दिनों दे विच खुलासा होएगा। पर दोनों पार्टियां इको कटहरे च ने, लाली मजीठिया जी नूं तकलीफ तां होनी, उन्होंने सानू टारगेट करना है श्रोमणी अकाली दल नूं। उहदी खास वजह है कि श्रोमणी अकाली दल ने हमेशा कांग्रेस नूं कटहरे दे विच खड़ा करके रखिया। जिवें जिवें चोणां नेड़े आ रहियां ने, सूबे दी सियासत विच इल्जामबाजियां दा दौर तेज हुंदा जा रिहा है। पंजाब अंदर सिख भाईचारे दा वड्डा वोट बैंक है अते हर सियासी पार्टी इस वोट बैंक नूं कैश करन विच लगी हुई है। नितिका महेश्वरी ते नेहा सलारिया दे नाल न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो पोस्टर नूं लैके सियासत भकी हुई है। पोस्टर पहलां भी पंजाब दे विच वख-वख थावां उत्ते कुछ लगाए गए, उस नूं लैके भी सियासत हुई, उस नूं लैके भी सियासत भकी। ते एक बार फिर तो हुण जो ये पोस्टर लगाए गए ने, आम आदमी पार्टी नूं इस ते इतराज़ है ते आम आदमी पार्टी कानूनी लड़ाई दी भी इस उत्ते गल कह रही है। असीं अग्गे वधीए कुछ सवाल जिन्हां उत्ते केंद्रित साडी अज दी ये बहस रहेगी, साडी अज दी चर्चा रहेगी। पहलां उन्हां ते एक नज़र, इन्हां सवालां दे जवाब जानण दी कोशिश करांगे। सवाल कि पंजाब च लगाए गए पोस्टर की डूंगी सियासी साजिश दा हिस्सा है, सियासी साजिश है, तुहानूं की लगदा? असीं अपने जिहड़े नाल साडे पैनलिस्ट जुड़नगे उन्हां नूं वी पुछांगे। ते नाल ही इस दे सवाल इह वी है कि कौण लगा रिहा है केजरी दे खिलाफ पोस्टर, ते की है पोस्टर दे पिछे दा सच, क्यों आम आदमी पार्टी नूं
इस पोस्टर दे विच दिखाया गया है, केजरीवाल नूं दिखाया गया, क्यों तुलना की गई है, बहुत सारे सवाल ने। पंजाब च वार वार आम जनता दी भावनावां नाल जुड़े मुद्दों ते पोस्टर क्यों लगाए जाते हैं, यह सब नालों वड्डी गल है। तो खास तौर पर जदों इलैक्शनस नेड़े होण, चोणां तो पहला बहुत सारे ऐसे मुद्दे ने जो हर वारी सुनने नूं मिलते हैं, उन्हां दे विचों 84 का भी एक मुद्दा है, तो इस बार भी उसकी गूंज सुनाई दे रही है। तो इस विचाले दर्शकों तो भी सवाल है, तो असं अपने दर्शकों तो भी सवाल हर रोज़ की तरह अज भी पूछ रहे हैं कि इन पोस्टर के पिछे सोच भावनावां नूं भड़का के सियासी फायदा लैण दी है, तुहानूं की लगता, तुसीं अपनी राय दे सकते हो हाँ या ना दे विच, 5757575 उत्ते मैसेज करके SMS करके ते नाल ही कॉल कर सकते हो 1800-1803535 उत्ते। तो एक बार फिर तो तुहानूं दस दईए कि किवें भेज सकदे हो तुसीं मैसेज, ZPHH स्पेस दे के Y टाइप करो हाँ दे लई, ZPHH स्पेस दे के N टाइप करो नहीं दे लई, जेकर तुहाडा जवाब नहीं दे विच हाँ या ना च तुसीं जवाब दे सकते हो, तो इसको भेज दौ 5757575 उत्ते। अगे बढ़ते हूँ साढ़े नाल जिहड़े पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, अज का जो पैनल है सब तो पहला उन्होंने तारुफ करवा दिए, साढ़े नाल राजकुमार वीरका जी ने, कांग्रेस के लीडर ने अमृतसर तो साढ़े नाल जुड़ रहे हैं, हिम्मत सिंह शेरगिल जी ने आम आदमी पार्टी रिप्रजेंट करे इस स्टेज उत्ते, हरजीत गरेवाल जी ने BJP रिप्रजेंट करे, तो अकाली दल तो साढ़े नाल जुड़ रहे हैं चरणजीत सिंह बराड़। सब तो पहला सारे मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, तो शुरुआत शेरगिल साहब थोड़े तो दो चीज़ा जाननिया चाहना, एक तो इतराज़ तुहानू इस पोस्टर दे विच किस चीज़ तो नज़र आ रहा है कि तुहाडी तुलना की गई है किसी दे नाल, या फिर जो प्याऊ वाला मामला है उसनू तुहाडे नाल जोड़िया जा रहा है उस उत्ते इतराज़ है, फर्स्ट रिएक्शन इसे उत्ते शेरगिल साहब। देखो जी, इस तरह है कि बिल्कुल एक झूठी चीज़ फैलाई जा रही है प्याऊ साहब के डिमोलिशन के बारे, जदों की मैं फैक्ट्स से गल कर रहा है, तथ्यों से गल करूँगा। आ एक चिट्ठी है जी, काइंडली आ जी चिट्ठी आ, दिस लैटर इज रिटन बाय NDMC टू दिल्ली कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये फोर्स मंगी जा रही है, हाईकोर्ट का एक ऑर्डर सीगा, इहदे च ये लिखा कि उस हाईकोर्ट के ऑर्डर के तहत NDMC ने फोर्स मंगी आ, ये 30 तरीक की 30 मार्च की चिट्ठी आ, फोर्स मंगी आ कि 6 अप्रैल न प्याऊ साहब की डिमोलिशन करनी आ, ये NDMC वालों चिट्ठी आ, काइंडली प्लीज नोट एंड अंडरलाइन NDMC इज गवर्न बाय भारतीय जनता पार्टी, वो BJP गवर्न करती है, आम आदमी पार्टी उन्हें बिल्कुल गवर्न नहीं करती। सो मैं तथ्यों के नाल मैं आ प्रूफ रख रहा, पर गल की आ कि इस वेले सारा पंजाब आम आदमी नाल हो चुका है, तो बहुत बौखलाहट चाके ये जिहड़ियां पोलिटिकल पार्टीज ने जिन्हों नुकसान होना है ये राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं, तो इस तरह की छोटे दर्जे की डर्टी पॉलिटिक्स से उतर आया, पर पंजाब के लोग देख रहे हैं, इस करके असी इमीजिएटली जदों इस असी पोस्टर देखे जिहड़े बिल्कुल देवर डिपिक्टिंग टोटली फॉल्स फैक्ट्स, असी जाके मेरी नाल लीगल टीम सी, असी जाके SSP मोहाली नो जाके कंप्लेन दिती आ कि इमीजिएटली FIR भी रजिस्टर्ड, द कल्प्रिट्स भी अरेस्टेड एंड ब्रॉट टू जस्टिस। ठीक है, बराड साहब साढ़े नाल, बराड साहब सब तो पहला मैं इन्होंने पोस्टर उत्ते तुहाडा रिएक्शन चाहूँगा अकाली दल का, क्योंकि ये पोस्टर लगे ने तो उसते आम आदमी पार्टी नूं इतराज़ भी है, कानूनी लड़ाई की भी हुण गल कही जा रही है। इस विचाले मैं अपने दर्शकों नूं ये भी दस दवां कि जिस जथेबंदी का नाम नीचे लिखा होया सी उस पोस्टर के नीचे, तो उन्होंने डिनाई किया, मतलब उन्होंने कहा कि साडे वल्लों नहीं लगाए गए ने। बराड साहब तुहाडा रिएक्शन। देखो ये पोस्टर लगे है, यदि इन्होंने जांच पड़ताल लई दरखास्त दी है, कानून अपना काम करूगा, जे किसी ने कानूनी कोई गलती की हुई इस गल का मैं थोड़े जरिए सारे नूं विश्वास दवाना। ठीक है, पर मैं ये समझदा कि जिस किस्म की कुताही इन्होंने की है तो हूँ मेरा ख्याल है कि जुटियां आराम नाल बैठो, जिन्हें शुक्ला जी, शुक्ला जी बंद कराओ, ठीक है ग्रेवाल साहब, मैं तुहाडे कोल वी आऊंगा, गलत कर रहे दूजे नूं बोलन नहीं दिंदे। शेरगिल साहब प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जदों दूजे बोल रहे ने ओह भी तुहाडे ते इल्जाम लगा रहे ने, तुसीं भी उहनां ते इल्जाम लगा रहे हो, तां बोलन काइंडली नहीं, प्लीज मैं तुहानूं रिक्वेस्ट करूंगा कि जदों ओह बोल रहे होण तां प्लीज विच इंटरप्ट ना करो, प्लीज तुहाडे नालों झूठा कोई है ही नहीं। ठीक है प्लीज, शेरगिल साहब उत्थे दस रही है,
पोस्टर आम आदमी पार्टी दे नाल जुड़िया होया प्लीज मैं तुहाडे कोल वापस आऊंगा तुसीं अपनी गल रखियो बराड़ साहब पर गलत इल्जाम लाउंदे आ ठीक है मैं गरेवाल साहब आऊंगा तुहाडे कोल बराड़ साहब मैं एक गल कहूंगा जी के जिस राह ते ये तुरे हुए है उसे करके पंजाब दे विचो उधारे गुआ चुकी है जिसका जिंदा जागदा सबूत जिहड़ा हैगा पिछले दिनों दे विच जिहड़ा घराओ इन्होंने रखिया सी उहदे विच जो इन्हां दा जलूस निकलिया वह तुहाडे सामने है इस गल दे विच कोई दो राय नहीं कि जिथे श्री अकाल तख्त साहब नूं ढा ढेरी करन दे विच कांग्रेस जिम्मेवार है श्रीमती इंदिरा गांधी जिहड़े मौके ते तत्कालीन प्रधानमंत्री सी उह जिम्मेवार है उसे तरह दिल्ली दे विच प्यो नूं ढाउण लई दिल्ली दे मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब और इन्हां दी जिहड़ी मौके दी MLA अलका लांबा जी जिन्हां ने कि फेसबुक ते हर रोज दीआं मीटिंगां अपडेट कीतीआं कि किस तरह मैं उस चौंक नूं सुंदरीकरण करना है किस तरह उस नूं ढा के जिहड़ा हैगा खुला कीता जाऊगा इस करके हुण इस किस्म दे झूठे कागज लिया के जिन्हां नूं कोई पढ़िया नहीं तुसीं एब्सोल्यूट लाइज शुक्ला साहब आ प्रूफ है जी एदू झूठे बंदे कोई नहीं देश च जिहड़े गल नहीं करदे शेरगिल साहब थोड़ा जिहा होल्ड लोक नहीं सुणदे इस गल ठीक है कागज फड़िया होया सानूं तां पढ़ा दे लिया असीं पढ़ लैने ठीक है आ देखो शेरगिल साहब मैं थोड़े कोल आऊंगा गरेवाल साहब शेरगिल साहब प्लीज नहीं प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा जवाब दो जिहड़े उन्होंने इल्जाम लगाए ने मैं तुहाडे कोल आऊंगा बराड़ साहब तुसीं कंप्लीट कर दो इस करके शुक्ला साहब इह गल्लां जुड़दियां ने निरंकारियां दे डेरियां ते जाणा जिहड़ा इन्हां ने प्यो नूं ढोणा एंटी पंजाब फैसले लैणा इह लोकां दे दिलां दे उत्ते बहुत वड्डी सट वज्जी है और मैं समझदा कि यह किसी ना किसी रूप दे विच जिहड़ा हैगा इह इन्हां नूं गल दुख दी लगदी है और जे इस किस्म दे इतराज योग जे कोई पोस्टर लगे है तां कानून अपना काम करूगा ठीक है गरेवाल साहब थोड़ा लगदियां जे ठीक है गरेवाल साहब तुहाडा रिएक्शन जरूर चाहूंगा जिस तरह नाल प्याऊ दा मसला है पोस्टर दे विच है तां उसका जिक्र होना भी बहुत जरूरी है शेरगिल साहब कह रहे ने कि NDMC नूं जिहड़ी गवर्न कर रही है वह BJP है तां फिर आम आदमी पार्टी ते इल्जाम लगाए जा रहे ने ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਰੇ ਅਰੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ MLA ਬਾਰ ਬਾਰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸੌਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਪਿਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਕਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸ MLA ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਜਾਂ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਰਾਜਕ ਤੱਤਵ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਕਸਲਾਈਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਆ ਝੂਠੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੀਰਕਾ ਜੀ ਵੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਪੋਸਟਰ ਛਪੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਆਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਝੋਕਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਔਰ ਉਹ ਦਿਨ ਮਾੜੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਿਆਊ ਦੀ ਪਿਆਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੇਪਰ ਆ NDMC ਨੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੰਗੀ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ NDMC ਤਾਂ BJP ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ
इनू जल्दी जल्द जिन्ना जल्दी हो सके ये प्याओ नू ढा देना चाहिए और इतने सौदरीकरण करना चाहिए। मैं समझना है कि एक घटिया राजनीति का इस तो बड़ी कोई निशानी हो नहीं सकती। तीसरी गल मैं एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है, हुण अकाली दल के एक नुमाइंदे ने कहा कि आम आदमी पार्टी वाले जड़े है वो जाते हैं जड़े निरंकारी आंदे कोल, लेकिन मैं एक गल कहां कि बीजेपी के लीडर सारे वड्डे इवन दैन इन्हां दे प्रधानमंत्री भी अकाली दल के मुखी की हत्या हुई उस दे गए है और बहुत सारे उत्थे जाके मत्था टेकन भी जाते हैं। लेकिन मैं समझना कि भारतीय सभ्यता दे विच भारतीय इलाकों के अंदर हर एक नूं अपने तरीके नाल पाठ पूजा करन दा हक होना चाहिए। यह कहना कि इंसान नहीं ये इंसानों के दुश्मन है ये गल मैं मनने लई तैयार नहीं। मैं कहना इको गल खत्म करांगा गल कह के कि सानू सारिआं नूं ये माड़े दिनों वाले पासे ध्यान देने की बजाय सानू सारिआं नूं माफी मंगनी चाहिए है। सानू इस गल का भी ध्यान करना चाहिए है कि हुण पंजाब दोबारा बर्बाद ना होए। पंजाब दे विच किन्नियां जंगां होईआं, पंजाब वंडिया गया, कदी हिमाचल दे विच टुकड़े हो गए, कदी पंजाब दे विचों कढ के हरियाणा वक्खरा हो गया। बई जिन्ना ही बारी जख्मी होया पंजाब ही जख्मी होया। अतवाद दीआं लड़ाईआं होईआं उह पंजाब ने अपने पिंडे ते हटाईआं, हिंदुस्तान पाकिस्तान दीआं लड़ाईआं होईआं पंजाब ने अपने पिंडे ते हटाईआं। मैं हथ जोड़ के बेनती करदा कि पंजाब नूं माफ कर दिओ, पंजाब नूं होर ना वंडो, पंजाब दे होर टुकड़े ना करो, पंजाब नूं अग दी भट्ठी च ना चुको। बिल्कुल अपील यही कि पंजाब दे हित वास्ते हर कोई सोचे तो सब नालों वधिया होएगा। शेरगिल साहब तुसी एनडीएमसी का जिक्र कर रहे हो पर अलका लांबा जो कि आम आदमी पार्टी नूं संबंध रखते हैं उन्हां दा जिक्र हुंदा है, तुसी उन्हां नूं ध्यान दे विच रखते हो, उस कमेटी नूं हैड करते हैं, क्लीन चिट आम आदमी पार्टी की सरकार नूं दिल्ली दे विच दे रहे हो इस पूरे मामले दे विच। हालांकि अपना मुद्दा अज दा पोस्टर है उसते भी आपां वापस आवांगे पोस्टर दे उत्ते भी। शेरगिल साहब सर इस तरह है कि बिल्कुल ये फॉल्स फैक्ट्स दस रहे हैं, मैं इसे करके डॉक्यूमेंट लेके आया हैं, हवा च जो मर्जी गल्ला करी जान। ये अरविंद केजरीवाल जी ते बिल्कुल विचों ना टोको, मैं थोड़ा नहीं टोकिया सीगा। बिल्कुल तुसी देखो अरविंद केजरीवाल जी ते इस तरह के इल्जाम ला रहे हैं, साडे होर लीडरों के इल्जाम ला रहे हैं, इन्हां कोल कोई डॉक्यूमेंट नहीं हैगा, हवा च गल्ला है। इसे करके जी मैं आ डॉक्यूमेंट लेके आया हैं, दिस इज अ डॉक्यूमेंट जिहड़ी कि एनडीएमसी वालों पुलिस फोर्स मंगी गई आ प्याओ साहब दी डिमोलिशन दे वास्ते। दिस इज द डॉक्यूमेंट विच इज स्पीकिंग, हवा जो मर्जी गल्लां कही जाइए आपां। अच्छा मैनू क्यों लेके आना पैंदा डॉक्यूमेंट, क्योंकि एवरी डे एक कोई ना कोई झूठा इल्जाम आम आदमी पार्टी ते ला रहे आ, झूठियां अफवाहां फैला रहे आ, क्योंकि सर्वे आ रहे हैं जी, जिवें सी वोटर दा सर्वे आया आम आदमी पार्टी शिरगिल साहब दी मेजोरिटी नाल 2016 च एक इंडिपेंडेंट सर्वे कर रहा है, एक बौखलाहट दे विच झूठी राजनीति दे उत्तर आया। इसे करके मेरे को अब प्रूफ हैगा, मैं प्रूफ लेके आया है, मैं डॉक्यूमेंट लेके आया इस करके। शिरगिल साहब तुसी एनडीएमसी दा जिक्र कर रहे हो, इस डॉक्यूमेंट दा जिक्र कर रहे हो, गवर्नमेंट तो तुहाडी भी है, तुसी किवें किवें उस चीज तो पीछे हट सकदे हो, किवें क्लीन चिट दे सकदे हो पूरी गवर्नमेंट नूं, तुसी प्रूफ दिखाओ। बिल्कुल झूठी गल, बिल्कुल नहीं जी, फेसबुक दा कट के देख लो दा रिकॉर्ड, जेडी डिमोलिशन हैगी आ ओदा रिकॉर्ड फेसबुक दा देखो। डिमोलिशन हैज बीन डन बाय एनडीएमसी, एक एमएलए दे कोल कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं हैगी। मैनू कोई दस्तावेज दिखा दें जिथे अलका लांबा का नाम है, मेरे को दस्तावेज है डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट दे विच क्लीयरली मेंशन आ कि एनडीएमसी ने पुलिस फोर्स मंगी आ डिमोलिशन वास्ते प्याओ साहब दी, ते एनडीएमसी इज गवर्न बाय बीजेपी। डॉक्यूमेंट्स सच बोल रहे ने, हवा च जो मर्जी गल्लां करी जान, जो मर्जी लोग जानदे आ कि अरविंद केजरीवाल की ने ते की नहीं ने, स्टेट गवर्नमेंट दी, दिल्ली गवर्नमेंट दी कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं, इल्जाम लाए आ पंजाब दे लोग सारा जवाब देणगे इन्हां नूं, दिल्ली गवर्नमेंट दी कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं उस दे विच, बिल्कुल नहीं जी। एनडीएमसी ने नहीं जी, नहीं जी, पुलिस फोर्स इज नॉट अंडर दिल्ली गवर्नमेंट, बिल्कुल सब नूं पता है टेरिटरी आ पंजाब दे अंदर, पुलिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पंजाब, दिल्ली दे विच ना पुलिस। एनडीएमसी आ देखो सर, मैं तां जी डॉक्यूमेंट दिखा रहा हां, तुसी कहिंदे आ डॉक्यूमेंट देखो, ए दिखो
ਇਹ ਦਿਖਾਉਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੂਫ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲੈ ਆ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦੇ ਪੇਜ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਦੇਖੋ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦੇ ਪੇਜ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਐਨਡੀਐਮਸੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਮੰਗੀ ਆ ਪਿਆਉ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਐਮਐਲਏ ਹੈਸ ਗਾਟ ਨੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਠੀਕ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਖਮੀ ਜ਼ਖਮ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ 'ਚ ਝਾਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ 84 ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਇਹ ਟਾਈਟਲਰ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੜੇ ਟਾਈਟਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾਈ ਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦੀ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੇਜ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਸ਼ੇਰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੱਖ ਬਣਾਏ 15 ਗਵਰਨਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ ਲਾਲ ਕਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਹੈੱਡ ਕਰਦੀ ਆ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੇ ਮੰਗੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੈੱਡ ਆ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਔਰ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਹੰਮਦ ਬੰਡਾ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਈਂਡਲੀ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਬੋਲਦੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੈਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
साफ चौड़ी होकर गई है। मैं सौंदरीकरण करना सौंदरीकरण कर गई है।